हेलो दोस्तों, मैं आबिद ली टेक्नीशियन। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। जैसा कि देख सकते हैं, प्लम्बरिंग जो है आज हम कुछ अलग तरीके से किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा गीजर पॉइंट है और गीजर पॉइंट जो है आप देख सकते हैं, ये लाइन जो है हमारा इनपुट इधर से, आउटपुट हमारा इधर निकलेगा। जो इसको हम वाल मिक्सर जो है बनाए हैं, हाथ से वाल मिक्सर बना के इसको कंसील स्टॉप कॉक से, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ लेवल जो है, ये आप देख सकते हैं कंसील स्टॉप कॉक 3 हम लगाए हैं। वो हमारा 1/4 इंची पौना बाई पौना का है कि ताकि प्रेशर के लिए इसको हम लगा दिए हैं, आधा का नहीं लगाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा कंसील जो है हम बनाए हैं कि हमारा इसमें जो है पानी और गर्म पानी दोनों मिक्स होके आएगा नीचे। अब मिक्स करके आप इसको चला सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसको, और स्पॉट लेवल के सहारे इसको पूरा लेवल किए हैं, कहीं से कुछ गलत ना हो जाए इसीलिए लेवल का प्रयोग किया जा रहा है इसमें। ये आप यहाँ से गर्म ठंडा दोनों मिक्स कर सकते हैं। ऊपर सावर का पॉइंट हो गया है और जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा स्पॉट लेवल बिल्कुल लेवल हो गया। हमारा एक ताज़ा पानी का हो गया, एक हमारा सनटेक्स का हो गया। आप देख सकते हैं हमारा ये मिक्सर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जिनका मुझे फिट करना था वो बोले कुछ नए तरीके से आप करना इसको आबिद भाई, ठीक। तो हम कुछ नए तरीके से इसको किए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और देख सकते हैं ये हमारा ताज़ा पानी का जो ब्रास एल्बो लगा रहे हैं इस समय हम, ये सीधा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा है इसको। और इसमें क्या होता है, वाल मिक्सर का प्रयोग नहीं होता है इसमें, आपका सल्डी से आपका वाल मिक्सर बिल्कुल जैसा काम करता है। ये वाल मिक्सर में क्या होता है, अक्सर करके लीकेज आ जाता है उसके एल बैंड में, वाल मिक्सर के ज्वाइंट में, लेकिन इसमें कोई लीकेज आने कोई चांस नहीं, इसमें 100% बिल्कुल नो चांस है इसमें। वाल मिक्सर में क्या होता है, थोड़ा सा हल्का पुश डालो तो उससे एल बैंड से पानी लीकेज होने लगता है और साइड से भी निकलने लगता है पानी। आप देख सकते हैं फिटिंग इसका, हमारा ये स्पॉट लेवल है और ये बिल्कुल लेवल में इसको रखा गया है। आप देख सकते हैं सीधा, ये इसमें जरा सा कोई वो नहीं है। क्यों, हमारा आ गया यहाँ शावर का पॉइंट, ये देख सकते हैं कंसील्ड में, ये हमारा शावर का पॉइंट कंप्लीट हो रहा है और इसको भी हम सीधा रखे हैं, क्योंकि हमारा 6.5 से 7 फीट पे है हमारा शावर का, वो जो 7 फीट से है ये,